हेलो एंड वालेकुम पाकिस्तान दिस इज एंटाई फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटिक फोरम आज हम डिस्कस करेंगे जे एफ सवेंटी थंडर ब्लॉक थ्री की शमूलियत पाकिस्तान डे परेड जो कि 23 मार्च 2022 को होनी है उसके हवाले से और एक नई एडिशन हुई है जी न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान नेवी के हवाले से कि पाकिस्तान नेवी ने जी नाइन डी जो हैं वो चूज़ किए हैं तगर क्लास फ्रीगेड के लिए वीडियो की तरफ जाने से पहले हम आप सब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें ये बहुत ज़रूरी है इससे आपको रोज़ की जो डिफ़ेंस अपडेट्स वगैरह होती हैं और जो न्यूज़ होती हैं और जो हमारे तज् होते हैं वो सबसे पहले मौसू हो जाएंगे तो चले आए वीडियो की तरफ चलते हैं बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये बात रिपोर्ट कर रहे हैं कि जेव सेवनटीन थंडर ब्लॉक थ्री तेईस मार्च की परेड के अंदर जो कि दो में होनी है उसमें शमूलियत अख्तियार करेगा ये कोई चंबे की बात नहीं है जिस तरह कि हमें पता है कि दो से तीन प्रोटोटाइप ऑलरेडी चाइना में फ़्लाई कर रहे हैं और उनके ऊपर टेस्ट एंड वैल्यूशन दो साल से तकरीबन चल रही है और हमारे पायलट जो हैं उनको उड़ा रहे हैं चाइना के अंदर और ये काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड था कि जे एफ सेवनटीन हंडर्ड ब्लॉक थ्री जो है वो जल्द ही हमें पाकिस्तानी फिजाओं में नज़र आएगा रिसेंटली एक प्रोग्राम भी देखा हमने जिसके अंदर जे एफ सेवनटीन हंडर्ड ब्लॉक थ्री के कुछ इमेजेस दिखाए गए पाकिस्तान एयर फोर्स पी एस सी कामरा के अंदर बेसिकली उसके अंदर भी हमने देखा कि तकरीबन पाँच से आठ त्यारे इस वक्त बन रहे हैं पी एस में जो कि ब्लॉक थ्री हैं बेसिकली तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि जे एफ सेवनटीन हंडर्ड थ्री जो है उसको हम तेईस मार्च की परेड में देखें फ्लाई करते हुए इस्लामाबाद के ऊपर ये एक नॉर्मल टाइमलाइन है और टाइमलाइन के हिसाब से ही काम चल रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स का जो विजन है जे एफ सेवनटीन हंडर्ड थ्री इंडक्ट करने का एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल वो अपने टाइम लाइन के हिसाब से बिल्कुल सही जा रहा है तो ये बात अचंबे की नहीं है कि हम जो हैं वो उनको 23 मार्च 2022 के अंदर पाकिस्तान डे परेड के ऊपर इस्लामाबाद की फिजाओं में प्रवास करते हुए देख सकते हैं क्योंकि क्योंकि हमें ऑलरेडी ये बात पता है कि कम से कम पाँच से आठ एयर फ्रेम ब्लॉक थ्री के वो पी एस के अंदर मैनुफेक्चर हो रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि हम 23 मार्च 2022 की परेड के अंदर ब्लॉक थ्री को देखें और काफ़ी हद तक इसके कभी इम्कान हैं कि हम इस चीज़ को हम ब्लॉक थ्री को फ्लाई करते हुए तेईस मार्च की परेड में देखेंगे इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान नेवी ने जी नाइन डी हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं तोरल क्लास फेरीगेट्स के लिए जिस तरह कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान नेवी अभी रिसेंटली तरल क्लास फ्रिगेट जो है वो नेवी के अंदर इंडक्ट कर रही है चार जहाज़ टोटल ऑर्डर किए गए थे चार जहाज़ जो हैं बेसिकली टाइप फिफ्टी फोर ए पी हैं और ये जो फेरीगेट्स हैं ये ह, ये चाइनीज़ नेवी के जो टाइप फिफ्टी फोर ए हैं उनसे ज़्यादा एडवांस हैं तो हमने इसके ऊपर जो हेलीकॉप्टर सेलेक्ट किया है जो ख़बरें आ रही हैं सोर्सेज से वो ये कहती हैं कि वो जी नाइन डी है जिस तरह की हम सबको पता है कि पाकिस्तान नेवी इस वक्त भी जी नाइन सी जो है वो यूज़ करती है हेलीकॉप्टर अपने जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट्स के ऊपर तो ये बात भी कोई हैरानगी की नहीं है कि हमने जी नाइन डी क्यों सेलेक्ट किया क्योंकि हम ऑलरेडी जी नाइन सी यूज़ कर रहे हैं जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट्स के ऊपर तो ये एक बहुत नेचुरल सी बात है कि हमने अगर तोगल एडवांस फ्रिगेट है तो उसके लिए हम एडवांस जो है वो जी नाइन का वर्जन यूज़ कर रहे हैं जो बेसिकली जी नाइन डी हेलीकॉप्टर है ये जो हेलीकॉप्टर है, हैं ऑब्वियसली ये ज़्यादा अपग्रेडेड हैं जी नाइन सी के मुकाबले में और ये चाइना भी यूज़ करता है तो नेचुरली समझ आता है कि पाकिस्तान जी नाइन सी से अपग्रेड करके जी नाइन डी चला गया है जो कि एडवांस तरीन वेरिएंट है जी नाइन हेलीकॉप्टर्स का आज के लिए बस इतना ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें मुझे इजाजत दें दिस इज़ एंटाई साइनिंग ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद